हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम राना आमिर नज़ीर है और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कोर्सेज मेंशन किए हैं जिनके कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर आकर राना आमिर नज़ीर टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा और आप मेरी वीडियोज़ को वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपकी ईमेल में वो उसको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर पर। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो ये होगा कि स्टार्ट में आकर ये देखें हेल्प एंड स्पोर्ट्स के ये जो है एक टैब है, हम इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी पॉलिसी हम किस तरह से लगाएंगे, हम उस पर आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में आकर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर जाएंगे। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर आने के बाद डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी पर, पूरी डोमेन पर हम ये जो है पॉलिसी लगा देंगे। तो इस पर आकर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज़ में आकर एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग पर आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग पर आने के बाद जो है हम यहाँ पर अपनी जो है एक ऑल सेटिंग्स में आ जाते हैं। ऑल सेटिंग्स में आकर हम यहाँ से एक तो ये है कि हम फिल्टर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हेल्प लिख दें, हेल्प सपोर्ट। यहाँ से भी हम जो है अपनी पॉलिसी को फाइंड कर सकते हैं कि हम कौन सी पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर आकर जो है हम इसको दूसरे तरीके से खुद से भी फाइंड कर। दूसरा मेथड यह है कि हम इसको खुद से फाइंड कर लें, तो इसमें आप कंट्रोल पैनल पर आकर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल में आकर यहाँ से पहले हमें यहाँ पर अपनी जो फ़िल्टर ऑप्शन लगाई थी उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको हम फिल्टर को ऑप्शन को ख़त्म करते हैं। यहाँ कंट्रोल पैनल पर आकर आप डेस्कटॉप पर आएंगे। डेस्कटॉप पर आकर आप क्लिक करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे और डेस्कटॉप आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखेंगे आप जो भी है पॉलिसी यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं कि आप कौन सी पॉलिसीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ को रखना चाहते हैं। तो देखें यहाँ पर भी ये कुछ पॉलिसीज़ हैं डेस्कटॉप के अंदर, तो आप कौन सी पॉलिसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं अभी हमने ये बात की। तो फ्रेंड्स, ये देखें फिर अब हम अपनी इस पॉलिसी को फ़िल्टर कर लेते हैं, खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको फ़िल्टर करना भी बता दिया है और खुद से भी फाइंड करना बता दिया है। तो सबसे पहले हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में, यहाँ पर आकर जो है ओपन करेंगे आप कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल में भी आप देख सकते हैं या डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी इस पॉलिसी को खुद से फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि हमें उसमें फ़िल्टर करने में ज़्यादा टाइम ना लगे अप्लाई करने में। तो एक्शन में आकर फ़िल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर इनेबल कीवर्ड करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि रन की उसको फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पर आकर ये देखें फ़िल्टर हो गया। स्टार्ट मेन्यू एंड एक्टिव पर क्लिक करें और रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कर दें। एक तो इसको क्लिक करने के बाद इनेबल कर दें, इनेबल करने के बाद अप्लाई और ओके। फ्रेंड्स, इसी तरह एक ये देखें कि यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट की भी है, इसको भी हमें इसी लेक्चर में फाइंड और करते हैं और इसको भी डिसेबल कर देते हैं। तो इसी तरह हम इधर एक्शन में आते हैं, इसमें फ़िल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हेल्प मेन्यू पर क्लिक करते हैं। हेल्प मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखें स्टार्ट मेन्यू एंड टेक्स्ट बार में जो हेल्प मेन्यू है इस पर भी डबल क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देते हैं, अप्लाई और ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले की तरह हम इन पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के लिए CMD में आकर जो है GP अपडेट की पॉलिसी रन कर देते हैं ताकि जो है हमारी पॉलिसी जल्दी से अप्लाई हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखें अपडेटिंग पॉलिसी हो रही है। इस पॉलिसी अपडेट होने के बाद हम देखेंगे कि हमारी ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक से अपडेट हुई है या नहीं, रन और स्पोर्ट एंड मेन्यू का जो है ऑप्शन ख़त्म हुआ है कि नहीं। तो ये देखें सक्सेसफुली अपडेट हो गई है और स्टार्ट में आकर आप यहाँ पर देखें रन और हेल्प मेन्यू की जो है टैब डिलीट हो गई है, हाइड हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।